तो गाइज ये हमारे पास क्लासिक 350 रिबॉन एडिशन और 3000 किलोमीटर के कुछ इसमें यूज़र की राइड हो चुकी है। अभी यार इसको लेके चलते हैं राइड पे। और जैसे इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, तो वो क्या क्या है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन आपको टू द पॉइंट कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं सीधा राइड पे, राइड करते टाइम मैं आपसे बात करता हूँ। भाई ये नया चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब करो, इसमें क्या ऐसे क्विक वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। चीज़ और आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखो स्पेशल नंबर है 4214, तो ये राम लिखा हुआ है, ऐसा कुछ स्पेशल नंबर है, VIP नंबर है, मतलब इसको परचेस किया गया है अलग से। और हाँ, यूज़र का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप A2i मोटर राइड पे जाके देख सकते हो, जहाँ पे इसके यूज़र ने पूरा अपना एक्सपीरियंस को शेयर करा हुआ है। तो यार चलो राइड पे। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे इसको चलाते टाइम कि इसकी जो स्विचेज है ना बहुत अलग टाइप की है। तो जैसे देखो ऐसी है, स्टार्ट करने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पर चलते हैं राइड पे। साउंड अभी जानते हो ऐसा है कि बेस है बट लाउड नहीं है, जो मुझे बहुत पसंद है। वाह यार, आपको पता है मेरे पास ना क्लासिक 350 पुरानी वाली मॉडल है, ठीक है। और जब भी मैं कभी, क्योंकि मैं उसको चलाता रहता हूँ जब भी जाता हूँ घर, तो जब भी मैं कभी रिबॉन चलाता हूँ ये ना, तो मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सेम वही एक्सपीरियंस अभी हो रहा है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन इसमें नहीं फील होते। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई रॉयल इनफील्ड की टिपिकल मोटरसाइकिल चला रहे हो, हालांकि काफ़ी टाइम से अपग्रेड हो चुकी है। जैसे अभी 60, 70, 80 की स्पीड इसमें टच करना हो ना, बहुत इजीली टच होती है। तो कुल मिला के इसका जो टॉर्क है ना, टॉर्क बहुत अच्छा है। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि यार इसको यू टर्न लेना बहुत कठिन होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वेट ज़्यादा है बट वेट बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, मतलब आप कर सकते हो मैनेज, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ये हो गई भाई बेसिक चीज़ें। अब आते हैं कि इसमें मुझे क्या पसंद आया। तो पहली चीज़ जो मुझे पसंद आई कि भैया वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है, वाइब्रेशंस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो कि आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंफर्ट देते हैं चलाते टाइम। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि आप इसको ना लेके कहीं पे क्रूजिंग पे जाओ, एक सिटिंग में आप इजीली अच्छा खासा स्ट्रेच कर पाओगे। और एक चीज़ और, इसका जो स्टॉक साउंड है ना उसमें बेस है, हाँ बहुत दूर तक तो नहीं सुनाई देगी फटफट जैसे। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें पसंद आई कि इसके ना सस्पेंशन बहुत अच्छे हो गए हैं, फ्रंट वाले रियर वाले दोनों सस्पेंशन बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब आप कहीं अगर ब्रेक्स अप्लाई करते हो ना तो उस टाइम भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ऑफ रोड में मतलब ख़राब रास्तों में आप जाते हो, ख़राब रास्तों के बीच में निकलते हो, तो उस टाइम भी आपको अच्छी कंफर्ट देते हैं। कुल मिला के जो सस्पेंशन है, फ्रंट वाले ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, रियर में भी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन फ्रंट वाले तो मुझे एक मतलब कह सकते हो कि उसमें क्लियरली इंप्रूवमेंट दिखती है। बहुत ही सॉफ्ट, मतलब जैसे आप देखो अभी ये ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी रोड पे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है बहुत ही सॉफ्ट मुझे राइड मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसमें आप चाहो तो इनका ट्रिपर नेविगेशन भी यहाँ पे लगा सकते हो, एक्सेसरीज का पार्ट होता है वो, तो वो भी आप रॉयल इनफील्ड से चाहो तो लगवा सकते हो, बट ऐसे मुझे सिटी में चलाने में कोई उसकी नीड लगती नहीं है टर्न बाई टर्न नेविगेशन की, तो यही है। हाँ, तीसरी चीज़ आप ये भी ऐड कर सकते हो जो मुझे इसकी पसंद है, इसके लुक्स। बट अभी क्या हो गया कि लुक्स बहुत कॉमन हो चुके हैं इसके, आपको हर गली में 4 रॉयल इनफील्ड दिख जाती हैं आजकल तो। और यू टर्न मारना सच में इजी है यार, मतलब वेट ज़्यादा है इसका, है ना 180 केजी का, बट आपको ऐसा यू टर्न लेने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो ऐसा जो पूरा पॉस्चर है ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठते हो, अपराइट बैठते हो, सीट भी कम्फर्टेबल रहती है, तो वो चीज़ है। हाँ, ब्रेक्स की भी आपको बता दूँ तो ब्रेक्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे, है ना। बस ये है कि ब्रेक्स आप सही से अप्लाई करो, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, तो वो ऐसे अच्छी नहीं होती क्योंकि आप गलत अप्लाई करते हो। आप रियर वाला बस अप्लाई करोगे तो भैया वो दिक्कत करेगी, है ना। आप सही से ब्रेक्स अप्लाई करो, है ना, तो मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई पसंद वाली। अब यार क्या इसमें मुझे कमी लगती है पर्सनली जो मैंने फ़ील करी है, या यूज़र के हिसाब से जो मैंने नोटिस करी है, तो पहली चीज़ तो ये कि भैया माइलेज ना कहीं मुझे लगता है कि इसका ना कम है। जैसे अभी ये जिस यूज़र की है उनको ये 26 से लेके 28-29 दे रही है, 3000 किलोमीटर की इसमें रनिंग हो चुकी है। मे बी एक दो सर्विस के बाद और इम्प्रूव हो जाएगी, है ना, बट अभी भी यार मतलब 30 के नीचे अगर माइलेज निकाल के दे रही है रॉयल इनफील्ड ना, तो वो मेरे हिसाब से कम है 350 cc के लिए, क्योंकि मेरे पास क्लासिक जो है वो ईज़िली 32 से 35 निकाल के देती है। तो पहली कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी, यूज़र ने कंप्लेन करी थी कि जब भी इसको वॉश कराते हैं ना, तो वॉश कराने के बाद यहाँ फ्यूल टैंक के फिलर जो होता है इसके कैप के नीचे पूरा पानी जम जाता है। बाकी इसके अलावा फीचर्स में, हाँ आप बोल सकते हो कि फीचर्स कम है, बट यार रॉयल इनफील्ड फीचर्स के लिए होती नहीं है,
है ना, तो इसको मैं कमी पे देख रहा हूँ। तो कुल मिला के यार एक दो ही कमी है, ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है, मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर मेटियोर से थोड़ा सा कंपेयर करूँ तो मेटियोर ऐसी है कि मेटियोर ज़्यादा कम्फर्ट ओरिएंटेड है और ज़्यादा टूरिंग ओरिएंटेड है, ये ज़्यादा सिटी ओरिएंटेड है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, मेटियोर को भी लोग सिटी में चलाते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो आपकी चॉइस है वैसे। बट हाँ, ये है मेरा एक यहाँ पे फाइनल। मुझे पिक करना हो तो मैं मेटियोर और क्लासिक में क्लासिक को पिक करूँगा। रीज़न सिर्फ यही है कि यार ज़्यादातर मेरी सिटी में ही राइड रहती है। बाकी लुक वाइज आप देख सकते हो ऐसी कुछ लग रही है, लुक वाइज काफ़ी बेहतर है देखने में। ये ब्लैक कलर है इनका, इसमें अलॉय व्हील भी देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर में, इंजन की जो पूरी कवरिंग है वो ही ब्लैक में है। हाँ, तो बस यही है, सीट स्प्लिट वाली है देख सकते हो, इसमें सीट कवर लगा हुआ है, तो राइडर पिलियन की कम्फर्ट दोनों की बहुत अच्छी रहती है।